डॉक्टर हरी सिंह मथारो आज हमारे स्पीकर हैं और मैं वेलकम करती हूं डॉक्टर मथारो को। ये इंडिया पंजाब से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर हम सब होम्योपैथ के लवर्स के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जेएमटी ग्रुप और डॉक्टर मथारो के लेक्चर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं हम सब के लिए। हम सब इनसे बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल करते हैं और इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर हरिसंग को। आज सर का लेक्चर है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इन एमरजेंसी। तो सर हमें एमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में आज होम्योपैथिक के ऊपर लेक्चर देंगे और इसके साथ साथ ही मैं तमाम रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि काइंडली ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्शन ना करें और कोई क्वेश्चन नहीं करें। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होता है वो हाँ आप नोट कर सकते हैं कॉपी में नोटबुक पर और लास्ट में सेशन के लास्ट में जो है टाइम देंगे तो हम सर से जो है जो भी पार्टिसिपेंट सर से क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो लास्ट में अपना क्वेश्चन पूछ लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमजद मंसूर एंड ऑल जीएमटी टीम। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर हरी सिंह मथारू। सर प्रयास कर रहे हैं तो मैं बहुत बोलो मेरे को टाइम निकाल में जाते हैं काम टाइम होता है इसकी वजह हम लेट हो गए। बहुत बार इन्होंने बहुत देर से कह रहे हैं कि होम्योपैथी एमरजेंसी में कैसे काम करती है उसके बारे में जरा बात होनी चाहिए। तो आज हम बहुत ज्यादा कोई क्रोनिक केस की बात नहीं करेंगे, तो मैं सिर्फ एमरजेंसी के बारे में आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करूंगा आपसे। तो बहुत देर पहले ये एक नोशन चला आ रहा है हमारे सिस्टम के बारे में कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है और क्रोनिक केसेस में काम करती है और अक्यूट में काम नहीं करती जहाँ बहुत देर लगाती है। और पेशेंट का भी यही एक जुड़ा हुआ हमारे साथ व्यवहार रहा है कि वो होम्योपैथी को कभी तरजीह नहीं देते थे किसी भी इमरजेंसी में, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम हो कुछ भी हो। ज्यादातर लोग तो लोग थे ना जो वो होम्योपैथी की तरफ नहीं जाते थे और एलोपैथी की तरफ ही जाते थे। तो ये एक समय जब से मैं क्लासिकल होम्योपैथी करता था तब मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि क्यों इमरजेंसी को होम्योपैथी में टैकल किया जाता है। तो अचानक ही ऐसा कुछ हुआ कि हमारे कुछ नॉन कोई आदमी था उनको कोई दिक्कत हुई इमरजेंसी में, तो ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी उनको बहुत सीवियर केस था उनका, तो उनको एकदम डेंगू हो गया। वो बहुत देर हो चुकी थी उनको 3-4 दिन हो चुके थे लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें सोचा कि हम कहीं बड़े हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं। तो रात को इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई और उन्होंने वहां जाने के लिए सोचा कि कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं हम। तो एक बार उन्होंने सोचा कि चलो होम्योपैथी की सलाह लेनी चाहिए, तो मेरे को फोन किया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं आप आ जाइए। शाम का वक्त था, मैं भी नहीं चाहता था कि मैं उनको में डाल दूं क्योंकि इमरजेंसी बहुत ज्यादा थी और काफी सीवियरिटी थी सिम्टम्स की। सीवियर हेडेक हो रहा था, पेशेंट गिर रहा था एकदम। तो मैंने उनको बोला कि हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट दे देते हैं लेकिन आप लोग यहाँ भी जाना चाहते हैं जहाँ जा रहे हैं आपको रेफर किया हुआ है,
आप वहां चले जाइए। तो मैंने उनको मेडिसिन दी, उनको बिठाया और 10 मिनट वेट करने के लिए बोला। 10 मिनट में पेशेंट को काफी रिलीफ हुआ, उनका हेडेक कम हो गया। तो और बैठने को कहा, थोड़ा और एक डोज डाली और वेट करने को कहा। बस कम से कम ज्यादा तो मेरे ख्याल में उनको 20-25 मिनट लगे होंगे, वो 90% बेटर हो गए। तो ये हमारा एक जिंदगी का शुरुआत थी इमरजेंसी को देखने की। तो लगा नहीं था कि हम इमरजेंसी को टैकल कर पाएंगे। ये कुछ नेचर ने ही एक रास्ता दिखाया और एक चाबी हमारे हाथ में दी कि धीरे धीरे हौसला बढ़ा और हम होम्योपैथी से इमरजेंसी को टैकल करने की हिम्मत जुटाते रहे। और बड़ी अच्छी कामयाबी देखी। और इलाके में ऐसा हुआ कि कोई भी इमरजेंसी जब पड़ती है तो लोग होम्योपैथी को प्रेफर करने लगे, उसके बाद अच्छे रिजल्ट आने लगे। तो ज्यादा हम इसके बारे में आपसे और डिस्कस ना करके तो हम सीधा केसेस के बारे में चलते हैं कि जो जो हमने केसेस ट्रीट किए। पहले हमने एएमटी में भी बात की थी कुछ एमरजेंसी केसों की। मैं चाहूंगा कि वो केस रिपीट ना किए जाएं। अगर वक्त मिला तो उनको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम कुछ और अलग एमरजेंसी केस जो उस हम क्लास में बात की थी उससे अलग बात करेंगे। तो एक हमारे पास अभी थोड़ी देर की बात है, एक फीमेल लड़की जो सर आपकी आप वॉइस नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? पहले सर अब आ रही है, तब नहीं आ रही थी। अभी तक आई नहीं? अभी अभी ठीक है सर, आ रही थी, अब आ रही बोलिए। है पहले सर। जैसे नहीं आई जो मैंने पहले बोला? नहीं थी, बीच में ब्रेक हो गई सर आ सर। रही थी, बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई है, आ रही थी अभी भी। बिल्कुल नहीं आई तो मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नहीं आई तो रिपीट करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं आई, दोबारा से रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर, केस सर जहां से बस एक स्टार्ट दो किया ना मिनट वहां से आवाज नहीं थी। आवाज अभी दोबारा बहुत जब स्लो हो गई है। क्लियर आवाज तो नहीं आया। 1 मिनट ठहरिए आप, हमें कोई इसको देखते हैं क्या हो गया। तो खूब सही क्या सर, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए जरा आवाज ठीक हुई जी आप है। ठीक है? आवाज ठीक हो गई ना? हम फिर से इंट्रोडक्शन दें आपको। पहले हुआ था नहीं जी सर प्लीज। लगा ना? हेलो
हेलो, आवाज नहीं आ जी रही सर क्या? बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है बोलिए। ना? तो फिर से रिपीट किया जाए जो जी पहले सर। बताया मैंने। आ रही है सर, आवाज आ नो रही है। सर, केस से स्टार्ट लें या केस से स्टार्ट लेना है आपने सर? पिछला सारा ठीक था। हाँ, अभी हम आपसे फिर से वो बात कर रहे हैं कि एक लड़की फीमेल का, हमारे पास लड़की आई, केस है, वो 39 उनकी एज थी, वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर लगे हुए हैं। वो उनको बड़ा सीवियर हेडेक हो रहा था और बीपी अप्रोक्सीमेट 160/100 था और काफी दिक्कत में थी। बोले कि हमने एलोपैथी मेडिसिन तो नहीं लेनी है। वो पहले ही हमारे पास उनका ट्रीटमेंट चलता था, तो उस टाइम में मैंने उनको ठीक किया था किसी प्रॉब्लम के लिए। तो वो फिर मेरे पास अब आए, बोला कि सर बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। तो मैंने उनको कुछ मेडिसिन दिया, ट्राई किया, तो घर भेज दिया और रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं सही रहा। जो थर्ड डे हमारे पास आए तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, फील कर रहे वो, और कोई प्रॉब्लम थी, और बल्कि ज्यादा उनकी दिक्कत और बढ़ गई थी उससे। तो फिर हमने उनको बोला कि आप प्लीज बहुत क्लियर करें क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है, कैसे लग रहा है आपको। तो उन्होंने बोला सर सच में बात तो ये है कि मेरा मन ठीक नहीं है। आपका मन कैसे ठीक नहीं है सर? हमारे घर में ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये जो गड़बड़ है ना, उससे मैं तो तंग आए। घर के जो लोग हैं वो मेरे को तंग करते हैं, मैं तो बहुत दुखी हो गई हूं उनसे। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं फिर भी मैं बड़ी दिक्कत फील कर रही हूँ उनसे। वो मेरे को पता नहीं है पाकिस्तान में इसको कैसे बोलते हैं, जो टूना टाम करते हैं, जो टूना वगैरह करते हैं ना, जो दूसरे से आए लोगों के पास जाते हैं, कुछ करवा लेते हैं, कुछ उनको कहीं फेंक देना, कोई तवीज फेंक देना या कुछ कर देना, ऐसे ऐसे वो काम करते रहते हैं। तो मेरे को बड़ा लगता है कि उससे मेरे को तकलीफ हो रही है, तभी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। ये उन्होंने मेरे को बताया अपना सिम्टम। तो फिर एकदम बात क्लियर हुई तो मैंने उनको मेडिसिन दी, और मेडिसिन देने के बाद मैं उनको बिठा दिया कि आप 15 मिनट के लिए प्लीज वेट कीजिए, 10-15 मिनट, तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो 15 मिनट के बाद में पेशेंट एकदम अंदर आया और बड़ा खुश मिजाज में वो लड़की थी। ने बोला कि सर अब मैं बिल्कुल ठीक, अब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। तो हमें थोड़ा 10 मिनट और बैठने के लिए बोला उनको। 10-15 मिनट के बाद में फिर एक डोज और पेट की मैंने, तो उसके बाद पेशेंट मोर देन 90% ठीक हुआ है एकदम। जब हमने बीपी चेक किया, बीपी 130/80 के करीब आ गया था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट कि हम एलोपैथी से भी बीपी इतना जल्दी ठीक होता हुआ नहीं देखते। तो उसके जो मैंने रूब्रिक बनाए थे वो थे सस्पिशियस था। सबसे पहला रूब्रिक था जो वो सस्पिशियसनेस था, दूसरा रूब्रिक था जो उनका वो सुपरस्टिशियस है, तो सस्पिशियसनेस सुपरस्टिशियस, तो तीसरा उनको तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा कि जो हेडेक है बहुत ज्यादा हो रहा है, और उनको लग रहा कि जो घर के मेंबर हैं, जो घर के सदस्य हैं, उनसे मेरे को ना बहुत दिक्कत आ रही है। डिलीवरी इंजरीज बीइंग माय सराउंडिंग, ये सबसे स्टेक रूब्रिक जो था यही था उनका। तो घर वालों के और इधर से इन लोगों से मेरे को तकलीफ आती है, तभी मैं दिक्कत में आ जाती हूँ। तो जो डिलीवरी इंजर बीइंग लगा इसमें सुपरस्टिशियस है, और डिलीवरी इंजर बीइंग बाय सराउंडिंग है, इसमें लेक्सिस दवाई आई थी, मैंने उनको लेक्सिस दिया था। ये लेक्सिस का बहुत बड़ा कमाल, 20-25 मिनट में पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर दिया था। और नेक्स्ट केस हम बात करेंगे, तो एक हमारे पास मेल पेशेंट, तो 37 ईयर्स के करीब था। वो पेशेंट हमारे पास आया था कि उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे, उन दिनों में डेंगू चल रहा था। हाँ, मैं बाद में बात करेंगे, आपको रूब्रिक समझाएंगे प्लीज। तो ये पेशेंट जब आया तो उसके
जो प्लेटलेट्स काउंट था वो 4,000 था। तो और WBC 2100 था उसका, तो और उनको भी बहुत ज्यादा हेडेक और बॉडी एक्स हो रहे थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में था पेशेंट और काफी वीक हो गया था और उनके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे थे। और कुछ लोगों ने मेरे पास उनको भेज दिया, वो 60-70 किलोमीटर से हमारे पास आए मेडिसिन के लिए, तो मैंने उनको मेडिसिन दिया और उस हिसाब से जो मौके पे काम करना था उस मेडिसिन को मैंने 3 दिन के लिए दिया और जो ठीक नहीं हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि बहुत दिनों से मैं देखता आया हूँ, बहुत सालों से एक्यूट एमरजेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होम्योपैथी का मिलता है, तो ये हो नहीं सकता कि केस क्यों ऐसा ना ठीक हो। मैंने फिर से उनको बोला कि कोई बात बताइए, आप सबसे ज्यादा तकलीफ आपको क्या है, आप फील क्या करते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है जो आप मेरे से शेयर नहीं कर रहे, इसकी वजह से आपको जो आपकी तकलीफ की वजह बन रही है। सबसे पहले तो सर मेरे को डर लगता है। किस बात का डर लगता है आपको? सर डर तो बहुत लगता है, कहीं कोई घुटने यही ना कट जाए, कहीं किसी भी इसमें कोई तकलीफ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम बिल्कुल ही अपाहिज हो जाएंगे, तो ये सब कुछ क्यों होता है आपको? सर मैं आपको सच बताऊं, पेशेंट बोल रहा था, मैं बहुत ही सुख की बात है, हम कि कुछ लोग घुस आए, वो नहीं के साथ गांव में रात को हमारे घर में घुस आए तो हमारे डॉक्टर बाहर पड़े हुए थे, उनको उन्होंने मार दिया, डॉक्टर को मार दिया। आवाज सही आ रही है आपको? जी सर। हेलो, आवाज बिल्कुल सही आ रही है सर। आवाज सही है? जी सर। ने बताया कि जी पेशेंट ने बताया कि बहुत देर पहले वो मर्डर हुआ था हमारे घर में किसी का, तो उसकी वजह से हमारा जो मन है ना वो दहल गया एकदम, दहलना मतलब डर गया, घबरा गया हमारा मन, तब से इतना हमारा जो शरीर है और मन है और आपको बहुत मेरे को हमेशा डर है कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसा फिर से कोई हमला ना हो जाए, ये तो डर मेरे को सताता रहता है। और तब से तो कह रहे हैं हाँ अभी मैसेज आ रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रही। हेलो ठीक है, तो वो पेशेंट जब मेरे पास आया तो उन्होंने ये बातें बताई कि मेरे को इस बात से डर लग रहा है कहीं फिर से अगर अटैक हो गया तो मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो वीक हो रहा हूँ, ये डर जो हमारे को सताया जा रहा है ये डर ने मेरे को कमजोर कर दिया। तो फिर मैंने उनको एक मेडिसिन दी, हाँ मगर ठीक है अब मेरे को लगा कि आपको ये मेडिसिन काम करेगी, तो वो मेडिसिन मैंने दिया तो उन्होंने 10-15 मिनट बैठे वहां पर, 10-15 मिनट के बाद में आकर के बोला कि सर अब मेरा जो पेट है ना जो भारीपन लग रहा था वो ठीक हो रहा है, वो पहले से काफी ठीक होने लगा। तो फिर 15-20 मिनट के बारे में बाद में हम उसको बताया, हमने बुलाया उसको, तो वो पेशेंट काफी ठीक होना शुरू हो गया था और जो प्लेटलेट्स उसके बढ़ नहीं रहे थे, पहले हमने भी 2-3 बार उनको मेडिसिन दी तो वो मेडिसिन देने के बाद भी उनका कुछ भी सुधार नहीं हुआ था, तो अब इस मेडिसिन के बाद हम ये आश्चर्य हुआ मेरे को देख करके कि पेशेंट के जो प्लेटलेट्स 1.5 लाख से ऊपर चले गए एकदम, तो 4-5 दिन के बाद हमने जब बुलाया था उनको, तो बड़ी कमाल हुआ इस बात का। इसमें मैंने स्ट्रामोनियम दिया था उस पेशेंट को,
और आज तक वो पेशेंट ठीक है और मेडिसिन भी बंद कर दिया था उन्होंने, और फिर से कोई जरूरत नहीं पड़ी थी उनको। तो ये पेशेंट था जो हमारा स्टॉपिंग था, तो क्या सिम्टम मैंने लिया, वो सस्पिशियस हुआ था पेशेंट, लगता था कि कहीं फिर से वो अटैक ना हो जाए। दूसरा एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, डर की वजह से जो उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो पुराना उनका डर था, वो उन्होंने वो देखा था दहशत का जो माहौल देखा था, उसके बाद पेशेंट वीक होना शुरू हो गया। वो या कि एलिमेंट्स वहां से स्टार्ट हुई, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट। आपको फिर आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही है सर, अभी क्लियर आ रही है सर। सर क्लियर आवाज बहुत मैसेज आ रही है कि आवाज क्लियर मैसेज आ रही है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम राइट डिलीजन पोर, बोला कि सर मैं कमजोर हो गया हूँ, बहुत कमजोर हूँ, मैं तो मुकाबला भी नहीं कर सकता, डिलीजन पोर है इसमें। और सबसे बड़ा जो उनका मन का डर था कि कहीं कोई हमला ना हो जाए, तो ये है फियर अटैक डॉक्टर। ये रूब्रिक मैंने बहुत ही बार यूज किया है, आप इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज किया करेगा। जब कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा आपको। ये सस्पिशियस था, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, डिलूजन पुअर और फियर अटैक ऑफ पेन। ये स्टामोनियम मैंने उनको दिया था, स्टामोनियम के बाद ये पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो गया, आज तक बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट पेशेंट हम देखेंगे, तो एक यौनिस का केस हमारे पास आया था, वो बड़ा बहुत केस आया जॉन्डिस के पहले में, अभी एक दो केस याद हैं। उनका ब्लूरबिन लेवल 7.6 था, काफी ज्यादा ब्लूरबिन बढ़ा हुआ था, पेशेंट बहुत ज्यादा वीक था, वो चलने में भी इतना सक्षम नहीं था, चलने में थोड़ा दिक्कत फील कर रहा था, वो हैवी अल्कोहलिक था, वो अल्कोहल को छोड़ नहीं रहा था। तो और जब भी आकर के बैठता था, उसकी वाइफ उसके बारे में कुछ बताने लगी, बोला कि नहीं नहीं आप तंग नहीं करो, बस मेरे को मैं बोल दूंगा, आप चुप कर जाओ, बोलो नहीं, मेरे को तंग नहीं करो, मैं खुद बताऊंगा। तो ये उसका सिम्टम था। और बोला कि सर जी ड्रिंक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, इससे तो मेरे को सहारा मिलता है, बस इसी के सहारे मैं चलता हूँ, बस यही उनके सिम्टम थे, इतनी सी बात थी। तो मैंने उनको मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद में हमने उनको 4 दिन के बाद बुलाया, तो 4 दिन बाद जब वो आई, उनका ब्लूरबिन लेवल 4 point something आ गया था, 7.6 से नीचे आ गया, और पेशेंट को भूख अच्छी लगने लगी थी, और उस टाइम उनको नींद नहीं आती थी, नींद में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती थी, तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उनको नींद, उनकी नींद में बहुत सुधार हुआ, जैसे वो थोड़ा सा चल रहे थे, एकदम लगता था कि मैं बस अभी बैठ जाऊं, आगे नहीं चल पाऊंगा। तो ये सिम्टम थे उनके, इन सिम्टम के आधार पर मैंने उनको मेडिसिन दिया था, वो मेडिसिन जर्सीमियम था, जर्सीमियम मैंने इसीलिए दिया, उन्होंने बोला कि सर मैं ड्रिंक तो कर ही लेता हूँ, इसी का सहारा है बस मेरे को। ये है होल्ड बीइंग एमुलेट्स, हेल्ड बीइंग एमुलेट, उसे हेल्ड उसका सहारा मिल जाता था, जैसे हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, पकड़ के किसी का कंधा पकड़ लें, कोई दीवार को पकड़ लें, चेयर को पकड़ लें, वो कुछ भी है, वो पकड़ने से उसको राहत मिल जाती है, उसको लगता है कि हाँ इसका सहारा मेरे को मिल गया, वो हेल्ड बीइंग एमुलेट है। कंफ्यूजन ये रूब्रिक उसमें लगा। तो तीसरा रूब्रिक था उसका जो क्लिंगिंग है टू पर्सन फर्नीचर, तो क्लिंगिंग थी जो उसकी, वो अल्कोहल के साथ हो गई, वो उसको छोड़ ही नहीं सकता, उसको लगा कि बस इसके बाद, इसके बिना तो मैं जियो ही नहीं, ये ही मेरा सहारा बनाऊंगा। तो जर्सीम ने इस केस में बहुत ही कमाल किया, और इतनी क्यूट एमरजेंसी में इतना उसका जो ब्लूरबिन लेवल था एकदम नीचे आ गया,
अगला कि एक हर्निया का केस था, बहुत ही हाँ यस, एक हर्निया का केस था, बहुत बड़ी हर्निया, इधर पेट निकला हुआ था हर्निया की वजह से। और जब पेशेंट हमारे पास आया, उसको अभी बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी 145 और 90 था। और पेशेंट को मैंने बोला, इतना ज्यादा बीपी नहीं लगता, इसने बोला कि सर मेरा बीपी तो जब मैं पूरा ठीक होती हूँ ना तो 100 और 70 रहता है, तो 110 और 70 रहता है, इसलिए ये 145/90 मेरे लिए बहुत ज्यादा है और मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा सिर फट रहा है। तो बोले कि सर जब मेरे को, मैंने उनको पूछा कि आप क्या करती हैं जब आपको तकलीफ होती है, बोला कि सर मेरे को तो ये लगता है कि मैं मुंह के ऊपर कपड़ा लेकर के, मुंह को ढक करके अंदर चले जाऊं और पर्दे में बंद कर देती हूँ, थोड़ा अंधेरा कर लेती हूँ, मैं चुपचाप लेट जाऊं, किसी से बात नहीं करूं, कोई मेरे को बुलाए नहीं, कोई बुलाता ना, तो तकलीफ बढ़ती है मेरे को, इतना हेडेक होता है, तो मैं उसको बांध करके वहां पर लेट जाती हूँ, बस यही उनके सिम्टम थे। तो मैंने उनको मेडिसिन दी, वही 10-15 मिनट के बाद में फिर हमने उसको बुलाया, तो वो पेशेंट बोला कि मैं सर पहले से ठीक फील कर रही हूँ, जो मेरा ऊपर से सर दर्द होता था यहाँ से, वो तो काफी कम हो गया, और इधर रहता है अब, इधर तो हो रहा है लेकिन पहले से कम हो गया। तो फिर हमने उसको 15 मिनट के बाद में फिर बुलाया, तो फिर सेकंड डोज डाल के बताया, तो जो सेकंड टाइम वो मेरे पास अंदर क्लिनिक में हमारे कैबिन में आई, बोला कि सर अब मैं काफी ठीक फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। उन्होंने सोचा कि एक बार और देखते हैं, 15 मिनट हमने फिर से उनको बुलाया, 15 मिनट के बाद में एक डोज और डाल दी। तो डोज तो हम इसलिए डाल देते हैं कि पेशेंट इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, एक ही डोज बहुत है, एक ही डोज सफिशियंट होती है पेशेंट को ठीक करने की। वो तो हम इसीलिए डालते हैं कि थोड़ा पेशेंट का मन लगा रहता है कि मेरे को मेडिसिन दी जा रही है, मेरी केयर हो रही है, इसलिए। तो जो मैंने आपको 15 मिनट का वक्फा बता रहा हूँ हर केस में, इमरजेंसी में, वो इसलिए कि हमें भी श्योरिटी चाहिए, हमें भी कंफर्मेशन चाहिए कि हमारा पेशेंट ठीक हो गया, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर आपका पेशेंट इमीडिएटली ठीक होता है तो होम्योपैथी में उसका विश्वास भी बढ़ता है और हमारा भी विश्वास बढ़ता है इससे। और ये पेशेंट को मैंने ब्रैनिया दिया था, ब्रैनिया 30 देने के बाद वो वही 30-35 मिनट में बहुत ही ज्यादा ठीक होकर के पेशेंट चला गया, और बहुत बाद में बिल्कुल ठीक रहा, और उसका बीपी एकदम नीचे आया, तो 130 के करीब उसका बीपी 35 मिनट के बाद में आ गया, 80/80 एकदम इतना नीचे बीपी आया, और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये केस ब्रैनिया का था, उसका ये सिम्टम था इंजरीज बीइंग, उनको लग रहा कि हेडेक है, बहुत ही सिर फट रहा है सर, बहुत ज्यादा फट रहा है सिर, बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल ही हिलना पसंद नहीं करता, ये लगता है कि मैं सिर को नहीं हिलाना चाहती, जो डिस्टर्ब वर्स टू भी है कि बिल्कुल ही हिलना नहीं पसंद करती। सबसे जो बड़ा सिम्टम उस पेशेंट में था वो था डार्कनेस, लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट बी टॉक्ड डिजायर्ड, किसी से बात नहीं करूं, बिल्कुल आराम से लेट जाऊं और कोई मेरे से बात ना करे। तो ये उनके सिम्टम थे, डार्कनेस, लाई डाउन इन द डार्क, टाक इंडिस्पोज टू, ये आप रूबरिक वहां पर देख लेना, डार्कनेस के नीचे आएगा, ये मैंने उस पेशेंट को ब्रैनिया दी थी। तो ये रूब्रिक मैंने बहुत ही बार यूज किया है, बहुत ही बार, बड़े काम का रूब्रिक है और बड़ी काम का, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। और मोस्टली हेडेक के पेशेंट, जब भी पेशेंट आकर के ये बोलता है कि सर बस यही लगता है कि अभी तो मुंह को ढक के, चेहरा ढक के, थोड़ा अंधेरा करके कमरे में लेट जाना, वो अच्छा लगता है, वहां पर ये रूब्रिक बहुत ही ज्यादा अप्लाई हुआ है, सैकड़ों बार मैंने अप्लाई किया है। ये ब्रेनिया 30 मैंने दिया था इस केस में, वो केस बहुत अच्छा ठीक हुआ और कमाल का रिजल्ट उस केस का मिला। तो सैल्यूट करते हैं हम होम्योपैथी को और हमारे टीचर साहबान को, डॉक्टर एम एल सहगल साहब को, जिन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि हम
एमरजेंसी केसेस को ठीक करने में सफल हो रहे हैं। और एक और केस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक बड़ा क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है। ये पेशेंट बहुत देर से नशा करता था, जब भी थोड़ी सी तकलीफ होती है एक फट डॉक्टर के पास भाग जाता है, वहीं गांव में फटाफट जाना, डॉक्टर के पास जाना, कोई मेडिसिन ले लेनी, टेस्ट करवा लेना कि मेरे को कुछ हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं मेरा कोई ऐसे कोई अंग खड़ जाएगा या रुक जाएगा, तो तब जी एकदम भागता था पेशेंट वहां पर डॉक्टर के पास। तो वो पेशेंट हमारे पास जब आया, उसको पेशेंट को झूठ बोल करके उसके जो रिश्तेदार थे वो लेकर आके आए मेरे पास, बोला कि इनको बताना नहीं है पेशेंट को, मेरे को बोला उनके अटेंडेंट्स ने कि ये नशा करता है, अगर इसको ये पता चल गया कि ये डॉक्टर को इसने बता दिया तो भाग जाएगा, वो नशा छोड़ना नहीं चाहता। हमने बोला कोई बात नहीं, आप ले आओ और हम नशे की बात ही नहीं करेंगे। तो पेशेंट को मेरे पास लाया गया, उसको बहुत घबराहट हो रही थी और पेन हो रहा था उसमें, तो पेशेंट से साथ मैंने बात की कि आप कैसा फील कर रहे हैं। सर मैं बहुत ही दिक्कत में हूँ, मेरे को ना बहुत तकलीफ हो रही है। गांव में भी ऐसा ही होता है, घर में जब मेरे को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो मैं भाग जाता हूँ पेशेंट और डॉक्टर के पास इमीडिएट भागता हूँ। आपके भागने की वजह क्या होती है? सर मेरे को लगता है कि बस मैं जल्दी जल्दी भाग जाऊं और मैं कोई इलाज करवा लूं अपना, कहीं मेरा कोई जो अंग है ना वो खड़ ना जाए, कहीं वो रुक ना जाए, एकदम से कहीं वो पैरालाइज टाइप ही ना हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है सर जो ड्रिंक करते हैं ना लोग या जो नशा करते हैं उनके अंग पैर जो खड़ जाते हैं, अंग पैर रुक जाते हैं और पेट में दर्द इतना होता है कि बार बार होता रहता है, पर कभी ठीक हो जाता है। हम उनसे गोली गोली वगैरह कोई टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो मैं फिर थोड़े दिनों के बाद में होता है तो मैं फिर भाग जाता हूँ। सर यही बात है, मैं ठीक नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपको अंदर से क्या फील हो रहा है, आपको क्या लगता है अंदर से कि आपको तकलीफ हो रही है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मैंने बोला कि सर ऐसा है, मैं ये सोचता हूं कि जो मेरे पेट में तकलीफ हो रही है ना बार बार, वो हमारे एक रिलेटिव है, उनके अपेंडिक्स हुआ था, उनकी आंत गल गई थी। जब मेरे पेन होता है ना तो मेरे को लगता है कहीं मेरा पेट में ना वो कहीं वो आंत गल सड़ ना जाए, वो आंत ना गल जाए, मेरे को यही डर सता है। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं है। उसने फिर खुद ही पेशेंट ने मेरे को बोल दिया कि मैं सर नशा भी बहुत करता हूँ, तो उसको तो मैं छोड़ ही सकता। मैंने बोला कि हम नशे की दवाई नहीं देते, तो हम तो सिर्फ आपके ये जो प्रॉब्लम है मैं उसको ठीक कर दूंगा और नशा आप खुद ब खुद अगर आपको अच्छा लगे तो छोड़ देना, नहीं आपकी मर्जी है। तो हमने इसलिए बोला था कि अगर हम उसको भूल देंगे कि आपका नशा भी ठीक हो जाएगा तो पेशेंट भाग जाएगा। तो मैंने उनको बेलाडोना मेडिसिन दिया, तो बेलाडोना देने के बाद में 3 दिन के हम बाद में उसको पेशेंट को हमने बुलाया, तो पेशेंट कमाल का ठीक हुआ। बोला कि सर मैं बहुत ठीक फील कर रहा हूँ, अब मेरा पेट का दर्द तकरीबन 50% से ऊपर ठीक हो गया और मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे को नींद भी आने लगी है और मेरे को घबराहट भी नहीं होती है। मैंने बोला कि वो जो डर लगता था आपको कोई आंत गड़ जाएगी तो वो कैसे है? हाँ वो सर अब उतना डर नहीं लग रहा, वो नहीं डर लग रहा, ठीक है। तो फिर हमने पेशेंट को सेक लग दिया और उसके हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद फिर बुलाया, तो फिर उसने बोला कि सर मैं तो कम्प्लीटली ही ठीक हो गया हूँ, मेरा पेट दर्द एकदम बिल्कुल ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो नशा करता हूँ ना मैं तो इसी के डर के बारे में नशा करता हूँ, अगर कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, तो मैं अब कोशिश करूंगा उसको छोड़ने की। तो मैंने इसको बेलाडोना 30 दिया था। बेलाडोना 30 इसलिए दिया आपने, जो रूब्रिक थे पेशेंट के, एक तो सबसे बड़ा रूब्रिक, सबसे पहला रूब्रिक वही है कि जब भी तकलीफ होती है वो एकदम डॉक्टर के पास भागता है, होता है कि देख रहा सर क्या हो गया मेरे को, कैसे हो गया, कैरी डिजायर टू फास्ट लाइट डिजायर फॉर,
ये सिंपल रूब्रिक मैंने उनको लिया। सुपरस्टिशियस हमारे रिलेशन में किसी की आंत गल सड़ गई थी, कहीं मेरे को कुछ ऐसा ना हो जाए। और ये सबसे ऊपर एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है जो मैंने बहुत बार लगाया है, वो मैंने इसमें लगाया, फियर बॉडी विल प्यूटिफाई। ये बड़ा कमाल का रूब्रिक है, आप कभी नहीं बोलना इसको। अगर ऐसी सिचुएशन में और ऐसा पेशेंट आपको वर्णन करता है अपनी तकलीफ के बारे में कि कोई मेरा शरीर का अंग गड़ सड़ जाएगा या शरीर गड़ जाएगा सड़ जाएगा, तो वहां पर ये रूब्रिक एकदम फिट आएगा। फियर बॉडी विल प्यूटिफाई, उसमें मेलाडोना है और मैंने मेलाडोना दिया रूब्रिक के आधार पर, और पेशेंट कमाल का ठीक हुआ। ये हमारा बहुत अच्छा केस जो मैंने देखा और बहुत ही अच्छा उस पेशेंट को मतलब मेरे को रिजल्ट मिला उस पेशेंट का, तो ठीक लग रहा है मेरे ख्याल में, चल रहा है ठीक, समझ आ रही है सबको? यस सर ठीक है, आवाज ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ओके, एक और केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो पुरेना कोरोना का काल चल रहा था उसमें एक हमारे पास पेशेंट आया, वो 55 के करीब एज थी उनके, उनका सीआरपी लेवल बहुत ही बढ़ा हुआ था। वो सीआरपी इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने पहले जो सीआरपी जो कोरोना किट दी थी वो भी लिया और ट्रीटमेंट भी करवाया, एडमिट भी रहा वो पेशेंट, वो पूरा रिकवर नहीं हो पाया। दर्द बॉडी एक इतना हो रहे थे, बोला कि सर मैंने पूरा ट्रीटमेंट तो ले लिया पर मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरे को बहुत घबराहट भी बहुत रहती है और बॉडी एक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो पेशेंट को मैंने मेडिसिन दिया, बोला कि सर सबसे ज्यादा दिक्कत तो मेरे को इस बात की है कि हमारे इलाके में तो बहुत पेशेंट की मौतें हो रही है कोरोना से, मेरे को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि मैं रिकवर ही नहीं हो रहा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कोई मेरे को कुछ हो गया, तो मेरे तो बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं, उनका क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, वो कैसे करेंगे बच्चे, क्या होगा उनका सर। इसलिए अगर आपके पास कुछ ऐसा कोई इलाज है तो मेरे को प्लीज आप जल्दी ठीक कर दीजिए, मैंने तो सुना है आपके बारे में सुना है, तभी मैं आपके पास आया। बस यही उनका जो व्याख्यान था अपने बारे में, जो छोटी सी बात उसने बताई, छोटी सी बात में उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बोल दिया। क्या, एक तो बोला कि मैंने उनको मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद एक हफ्ते बाद हमने उसको बुलाया, जनरली हम 3-4 दिन के बाद में बुलाते हैं पेशेंट को, पर हमने उनको लेट बुलाया क्योंकि वो पेशेंट काफी दूर से आया था। मैंने उनको मेडिसिन दिया था, रस्टोक्स किया था हमने, जो रस्टोक्स देने के बाद में पेशेंट एकदम बहुत ही अच्छा ठीक हुआ और उनका सीआरपी लेवल भी कम हो गया और उनका जो WBC था वो थोड़ा ज्यादा था वो भी कम हो गया। तो उसने बोला कि सर बहुत लोग मर रहे हैं हमारे इलाके में, बहुत लोग मर रहे हैं, तो मेरे को डर लगता है कहीं मेरे को भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये था फियर सुपरस्टिशियस। तो दूसरा एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, बच्चे छोटे हैं क्या होगा कैसे होगा, कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, इंजरविंग पूरा बॉडी पेन कर रही है, पूरी बॉडी को तकलीफ हो रही है सर, बस बेचैन हो रहा हूं मैं इस तकलीफ से। ये पूरा जो सिनेरियो था ये रस्टॉक्स का था, रस्टॉक्स देने से वो पेशेंट एकदम से ठीक हो गया। तो ये ऐसा ही केस हमारे पास बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो एक मैं अब और केस आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है, मैंने पहले भी AMT में भी शायद डिस्कस किया हुआ मेरे ख्याल में नहीं है। तो ये केस था, एक यौडिस का पेशेंट था, वो शाम को मेरे पास आया, जब हमारा क्लिनिक बंद था उस टाइम में, संडे का दिन था, मैं अपने घर में था, मैंने उसको देखा, वो आकर के बैठे तो उनका ब्लूरिन बहुत ही बड़ा हुआ था, वो 8.7 था और OT 2700 के करीब था, PT 28 था, 2800 के करीब, और TLC 2700 था और प्लेटलेट
67,000 था। जो पेशेंट हमारे पास आया उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो रही थी, उनको हमारे सिविल हॉस्पिटल से रेफर किया हुआ था। वो पहले एडमिट था सिविल हॉस्पिटल में कोई एक हफ्ता पहले, उनको ग्लूकोज वगैरह लगाया था और ड्रिप में कोई इंजेक्शन वगैरह भी दिए होंगे और काफी मेडिकेशन उनका हुआ था, लेकिन वो पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो जॉन्डिस था बढ़ रहा था और पेशेंट की तकलीफ बहुत बढ़ रही थी। तो किसी ने बोला हमारे पास आने के लिए, वो हमारे पास आया। तो जब मैंने उसको देखा तो आते ही उसने बोला कि सर प्लीज मेरे को आप ठीक करो, बच्चा छोटा है, अभी 20 दिन का है बच्चा, मैं उसको दूध भी नहीं पिला रही, मैं तो कल भी नहीं दूध पिलाया, मैं आज भी नहीं दूध पिलाया उसको। तो सर मेरे को बड़ी चिंता हो रही है कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं इसको दूध भी नहीं पिला रही, मेरी बीमारी ने इतना मेरे को खराब कर दिया, मेरे को बेबस कर दिया बीमारी ने, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ सर, प्लीज मेरे को आप जल्दी ठीक कर दिए, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है और हम कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दिया और बोला कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, आप बैठिए 15-20 मिनट देखते हैं। मेडिसिन देने के बाद उनको यहाँ पर बहुत घबराहट होती थी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो 15 मिनट में उनकी वो घबराहट कम होनी शुरू हो गई। मेरे को भी लगा कि शायद ये केस अभी ठीक होने जा रहा है। तो एक डोज और हमने 15 मिनट के बाद में डाली, बैठना को बोला उसको, तो पेशेंट ने बोला कि मैं सर काफी ठीक फील कर रही हूँ अब। तो मैंने उनको मेडिसिन दिया और सेकंड डे उनको बुलाया और सुबह उसके हस्बैंड का फोन आया मेरे पास कि सर पेशेंट तो काफी ठीक फील कर रहा है और रात को बड़ी अच्छे से सो गई है और उसने खाना भी खा लिया, और कैसे करें हम, कोई टेस्ट वगैरह करवाएं। हाँ, मैंने बोला कि सर आप तो टेस्ट तो बिल्कुल करवा लीजिए, टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, आ जाइए हम सेकंड मेडिसिन देते हैं आपको। तो पेशेंट मेरे पास आ गया, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। तो उसने बोला कि सर मैं ठीक फील कर रही हूँ, हमने इसलिए टेस्ट नहीं करवाया कि क्यों खर्चा करें, अगर मैं ठीक फील कर रही हूँ तो हम कल परसों करवा लेंगे, कोई बात नहीं ऐसा भी चलेगा, अगर आप ठीक फील कर रहे हैं, आपके जनरल पैरामीटर ठीक लग रहे हैं आपको, तो कोई बात नहीं। तो हमने 2 दिन की और मेडिसिन दी और 3 दिन की फिर मेडिसिन दे दी। तो 3 दिन के बाद उस पेशेंट को बुलाया, तो पेशेंट ने जब टेस्ट करवाया तो उसका ब्लूबिन लेवल कमाल का ठीक हुआ, बहुत ही अच्छा ठीक हुआ, 2.7 के शायद करीब आ गया, नियर अबाउट ठीक हो रहा था पेशेंट, और टीएलसी उसका रेस हो गया और प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से ऊपर चला गया था और ओटीपीटी लेवल एकदम नीचे आ गया, बहुत ही ज्यादा नीचे 150 के करीब आ गया, 2700 से लेकर। और अगले 3-4 दिन की और मेडिसिन देने के बाद में रिपोर्ट टोटली नॉर्मल थी, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी पड़े हैं, अभी मैं आपको शो नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई असिस्टेंट हमारा नहीं है। तो मैंने उसको आरसेंक दिया था, आरसेंक ने कमाल कर दिया, ये पेशेंट एमरजेंसी वाला तो गया, एकदम से वो पेशेंट हमारा ठीक हुआ। तो आरसेंक मैंने इसलिए दिया, जो पेशेंट प्रे कर रहा था सर प्लीज मेरे को ठीक कर दो, प्लीज मेरे को ठीक कर दो, मेरे को बहुत जल्दी ठीक कर दो, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मेरे को इसकी चिंता हो रही है, ये भूखा मर जाएगा, सर सबसे ज्यादा चिंता मैं कैसी माँ हूँ, मैं तो इसको दूध भी नहीं पिला रही, ये मेरे को बहुत चिंता हो रही है, मैं तो इसलिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो ये है एंग्जाइटी, ड्यूटी हैज नॉट डन, ये एक बहुत अच्छा रूब्रिक है जो मैंने बहुत ही बार इसको यूज किया है, एंग्जाइटी ड्यूटी हैज नॉट डन, और प्रेइंग है, फीलिंग है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट है। तो इसको मैंने आरसेंक दिया था, आरसेंक का रिजल्ट बहुत ही कमाल का मेरे को मिला, ये पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हुआ इससे। और केस एक हमारे पास इसका जॉन्डिस का ही और केस आया था, वो केस बड़ा पुराना केस था, वो बहुत दिनों से जॉन्डिस की तकलीफ उसको हो रही थी, उसका ट्रीटमेंट था जो बहुत बड़े हॉस्पिटल से चल रहा था, तो
तीन चार महीनों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उसका बिलिरुबिन लेवल कम नहीं हो रहा था। तो एक शाम को मेरे पास वो इसीलिए आए कि उनको पेन स्टार्ट हो गया राइट साइड में, हाइपोक्रोटिक रीजन में उनको बहुत पेन स्टार्ट हो गया। तो पेशेंट एकदम से डर गया और शाम को मेरे पास आया और पेशेंट ने बोला कि सर बस अब तो मेरे को लगता है मैं नहीं बचूंगा, बस अब तो बस जल्दी ठीक कर दे, बस मौत तो हो ही जाएगी, बस मेरे को बहुत डर लगता है, प्लीज मेरे को ऐसी जल्दी से जल्दी कोई दवा दीजिए मैं ठीक हो जाऊं, तो मैं मर ना जाऊं कोई, मेरे को बस लगता है कि मेरे को कुछ हो ही जाएगा। सर मेरे को ना इधर इतना ही बड़ी तकलीफ हो रही है, वो हाथ लगा करके बोल रहा था लिवर रीजन में कि इनको तकलीफ हो रही है कि मेरे तो ना बस लिवर में कोई गड़बड़ बड़ी गड़बड़ हो गई है, बस बहुत ही खराबी आ गई है इसमें, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो वो पेशेंट काफी इमरजेंसी में था, ऐसे में हम रिस्क भी नहीं ले सकते थे, तो मैंने उनको मेडिसिन दिया जो करंट प्रॉब्लम देखने के लिए, उन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा सा करंट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो हो सकता है आगे की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो मैंने उनको मेडिसिन दिया और बोला कुछ देर बैठने के लिए 15-20 मिनट के, तो 15 मिनट के बाद में पेशेंट का जो पेन था ना थोड़ा सा कम हो गया था, तो लगा कि हम सेकंड डोज फिर देते हैं। सेकंड डोज देकर के हमने उस पेशेंट को बुलाया, बढ़ाया वहां पर वेटिंग रूम में, तो 15-20 मिनट के बाद में फिर वो पेशेंट हमारे पास आया, बोला कि सर मैं काफी राहत फील कर रहा हूँ। सर एक तो बात यह है, मेरे को ये बताइए कि मेरा पीलिया भी कम हो जाएगा, ये पेन तो कम हो गया पर मेरे को डर लगता है कहीं वो पीलिया कम हो जाएगा ना आपकी मेडिसिन से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम देखते हैं वो भी ठीक हो सकता है। तो लीवर में पेन कम हो गया और फिर और हमने एक सेकंड डोज डालने के बाद में फिर पेशेंट को बोला कि आप 15-20 मिनट और वेट कीजिए। तो नेक्स्ट 15-20 मिनट के बाद में पेशेंट को जब देखा, पेशेंट ने बोला कि सर मैं काफी कंफर्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो हमने उसको मेडिसिन दी, मेडिसिन दे करके उसको 3 दिन के बाद में बुलवाया। 3 दिन के बाद में पेशेंट आकर के बोला कि मैं काफी अच्छा ठीक फील कर रहा हूँ, लेकिन उसने टेस्ट नहीं करवाया। तो फिर मैंने 3 दिन की मेडिसिन और उसको दी, तो 6 दिन के पूरे होने के बाद पेशेंट ने जब टेस्ट करवाया तो उसका जॉन्डिस कम नहीं हो रहा था, उसका जॉन्डिस था 11 point something। अब मेरे याद है थोड़ा सा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, वो लुधियाना में शायद कहीं बड़े हाउस में ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। तो वो उसका एकदम जो ब्लूरबिन लेवल था एकदम नीचे आ गया, कमाल हो गया। 6 दिन के बाद में वो 1 point something था, बड़ा कमाल हुआ उस पेशेंट का, और पेशेंट बहुत ठीक हो गया। और पेशेंट को मैंने साइक्लिक के ऊपर कम से कम 2 महीने रखा, उसका पूरे का पूरा केस ठीक हो गया उसी मेडिसिन से। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैंने क्या दिया, क्योंकि हमारी सभा है, सब लोग जानते हैं, सभी मेडिसिन के बारे में जानते हैं और सभी रूबर के बारे में जानते हैं, हम तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। उसको मैंने एकोनेट दिया, उस पेशेंट को मैंने एकोनेट 30 दिया था, इसलिए दिया था उसने बोला कि आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन है कि मैं ठीक हूं तो हो जाऊंगा, लाइट डिजायर पर है, ये लाइट डिजायर पर था। और उनको लगा कि ये मेरे लिवर रीजन में ना कोई इतनी तकलीफ ऐसी गड़बड़ हो रही है, मेरे को लगता है कहीं मेरा लिवर तो अब खराब हो गया, बस ये इसकी वजह से मैं बच नहीं पाऊंगा, फियर ऑफ डेथ कैरीड दैट टू फास्ट डिल्यूजन। सबसे बड़ा रूप जो उस पेशेंट में लगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट डर रहा था, वो यही था कि यहाँ पर इतनी कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरा लिवर खराब हो गया है, अब ये कैसे ठीक हो जाएगा, अब कैसे ठीक होगा, अब तो मौत निश्चित है। यही था जिसकी वजह से उसको डर लगा रहा था, यही वजह थी जिसकी वजह से वो पूछ रहा था कि सर मेरा लिवर भी तो ठीक हो जाएगा, पीलिया तो ठीक हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पेन ही ठीक हो जाए, लिवर ना ठीक हो। ये लाइट जार का डिलीजन बॉडी सम पार्ट ऑफ द बॉडी डिफॉर्म, ये रूब्रिक उसमें लगा एकोनेट का। तो मैंने उसके पेशेंट को एकोनेट दिया, एकोनेट देने के बाद पेशेंट वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया,
ये कमाल का पेशेंट था, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था कि 11 पॉइंट समथिंग जॉन्डिस जिसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट चल रहा था वो इतना इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। वो भी पेशेंट हमारा इस चीज से ठीक हो गया। और एक और केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बस ज्यादा केस नहीं हम करेंगे। हाँ टाइम है तो एक और उसके केस करें। डॉक्टर अमजद जी सर कंटिन्यू कीजिए, टाइम है सर। हाँ एक और केस करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, बस 7:30 बजे हम फ्री हो सकते हैं। तो ये पेशेंट बहुत ही कमाल का पेशेंट था हमारे पास, वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस था। ये भी शायद मैंने कहीं और ग्रुप के साथ बात की होगी, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस था। बड़े कमाल का केस था ये केस बड़ी पुअर फैमिली से था, तो वो कहीं अखबारों का काम करते हैं, अखबार बेचने का। वो लड़का पीजीआई सॉरी पटियाला से ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे सरसों के फूल होते हैं, मस्टर्ड फूल, मस्टर्ड के फ्लावर होते हैं, ऐसा कलर होता है, इतना येलो, ऐसा लगता कि उसकी आंखों में ये फूल रखे हुए हैं, इतना येलो था उसका कलर, जैसे जस्ट ये कार्ड जैसे आंखों में जैसे मस्टर्ड फूल लगे। वो मैंने उसको बोला कि आप मेरे पास क्यों आ गए, इतना बुरा केस है आपका सर। उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, आपकी मौत भी हो सकती है ऐसे। सर हम ऑपरेशन तो कराने नहीं चाहते। तो मैं तो बस यही है कि आपसे हमने बहुत बार दवाई ली थी, आप मेरे को मेडिसिन दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सर ये पेशेंट इतना देर से, इतना बीमार पेशेंट ऐसे ठीक कैसे ठीक होगा, मेरे को भी बड़ी दिक्कत लग रही थी इस पेशेंट को देख करके कि सर बस यही बात है, तो मेरे को आप ऐसी कुछ मेडिसिन दे दो तो मैं ठीक हो जाऊं। सर मेरे को लगता है मैं आपसे ठीक तो हो जाऊंगा। बस यही मैंने सिम्टम्स के लिए, और वो पेशेंट ऐसा था कि वो टेस्ट वगैरह नहीं करवाता था, जब मैं कहता था तो भी नहीं करवाता था, बस यही सिम्टम मैंने उसका लिया और बड़ा कमाल का केस ठीक हुआ। बड़ी छोटी सी मेडिसिन जो हमने दी और दो चार बातों के ऊपर ही मैंने मेडिसिन दी, वो पेशेंट ने बोला कि सर मैं मेरे को लगता मैं ठीक तो हो जाऊंगा। बस कभी कभी जब थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है ना तो मेरे को लगता है कि बस अब तो गए, अब नहीं हम बचेंगे। ये रूब्रिक था होपफुल, ये रूब्रिक था अल्टरनेटिंग विद डेस्पेयर, डेस्पेयर अल्टरनेटिंग विद होपफुल, ऐसा रूब्रिक है हमारे पास। तो मुझे याद नहीं है, वो काफी पुराना केस है, मुझे याद आया था, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डेस्पेयर अल्टरनेटिंग विद होपफुल अल्टरनेटिंग विद डेस्पेयर, ये रूब्रिक मैंने लगाया था। दूसरा था होपफुल और सेकंड रूब्रिक राइट इज देयर, और तीसरा रूब्रिक जो सबसे बड़ा था बोला कि सर जो आंत में जो फंसा हुआ है ना चीज, ये मेरी आंत की वो जो स्ट्रक्चर है ना वो जो बिगड़ गया है, वो इतनी सख्त हो गया है, वो आंत मेरी खराब हो गई है, उसमें ये स्टोन फंसा हुआ है, ये निकल जाए फिर मैं ठीक हूँ। ये है लाइट इज देयर फॉर इल्यूजन बॉडी पार्ट डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज, ये रूब्रिक उसमें भी लगा और एकोनाइट से ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे को ये नहीं पता कि उसका स्टोन अभी वहां पर है या निकल गया, क्योंकि वो मानता ही नहीं है पेशेंट कि मैं स्कैन करवाऊं। मैंने बहुत बार बोला कि आप स्कैन करवा लीजिए, लेकिन वो पेशेंट कमाल का तो 2 साल हो गए ठीक हुए हुए, अब भी हमारे पास कभी कभी मेडिसिन के लिए नहीं आता है। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उसका सब कुछ देखने में ठीक है, खाना पीना नींद वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन वो पेशेंट स्कैन नहीं करवाया। ये मेरे को नहीं पता क्यों नहीं करवाया, लेकिन वो पेशेंट हमारा कंप्लीटली ओके है, पूरा ठीक हुआ है। ये एकोनेट का केस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मेरे ख्याल में अब टाइम काफी होने वाला है। अब जो जो आपके क्वेश्चन है वो मेरे को बताइए, अगर कोई आप पूछना चाहते हैं। एवरी केसेस आपने सर
दवा दिया और ठीक हो गया, दवा दिया ठीक हुआ, बीच का जर्नी क्या हुआ सर? इसका कैसे? इसका जर्नी ये है, जब पेशेंट को हम तीसरे दिन बुलाते हैं, जो पेशेंट को बोला कि मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, और जर्नी क्या होगा उसमें? एक्यूट केस में तो जर्नी की दिक्कत ही नहीं होती कुछ। यार डॉक्टर कैंट लिखते हैं अपना फिलॉसफी में, विदाउट एलिमिनेशन कैसे ठीक होगा, संभव ही नहीं है सर। कैसे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन तो होगा ना सर? एलिमिनेशन, ये जो एलिमिनेशन क्या होगा, जैसे एलिमिनेशन उसी चीज की होगी ना जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। जैसे पेशेंट ने बोल दिया कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, अब नींद पूरी आने शुरू हो गई, तो जो एलिमिनेशन है और क्या हो गया, उसकी जो डिस्टर्बेंस थी वो ठीक हो गई पेशेंट की, उसका खाना पीना ठीक हो गया, लैट्रिन वगैरह ठीक हो जाती है, पेशेंट को डायरिया लगे जरूरी है, पेशेंट को स्वेटिंग हो जाए जरूरी है, हर पेशेंट को यूरिन ज्यादा हो जाए या उसकी इरप्शन निकल आए, ये तो जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल 100% जरूरी है सर, डॉक्टर एम एल सहगल तो यही लिखते हैं और बताते हैं संजय सहगल, ऐसा तो है नहीं। ऐसा बिल्कुल ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम आपको ये जो पूरा पूरा डिस्कस केस में करेंगे फिर तो एक केस को बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो मैंने सिंपली एक फ्रेशर के लिए ये बताया है कि ऐसा ऐसा हम रूब्रिक यूज करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप ये इनके एलिमिनेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो ये पूरे के पूरे केस हम नेक्स्ट केस में एक एक केस डिस्कस करेंगे और उसमें बताएंगे क्या हुआ। जब पेशेंट के बारे में आपको ये बता रहा हूँ ठीक हुआ किसका स्प्रे हुआ कैसे समझ में आएगा सर? कैसे सर, क्या बोले आप? कि ठीक हुआ कि सस्प्रेस हुआ, 30 मेडिसिन 3 बार 4 बार 5 बार डोजेस दिए, इस पर हम जानना चाहते हैं सर। हाँ, कैसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगेगा कि कैसे ठीक होगा? हाँ जैसे रेगुलर क्या पैरामीटर है ठीक होने के लिए, पेशेंट क्या पेशेंट का इतना बोला है काफी नहीं है कि मैं बहुत चीज कर रहा हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है, क्या ये ठीक नहीं है? पेशेंट अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या वो बोलेगा कि मैं ठीक? हम लोग होम्योपैथ से सर डिजीज को ठीक नहीं करते हैं, सीक पॉइंट को ना देख ना है, सीक एरिया स्टोर करना है हेल्थ में ना सर। एफोरिजन फर्स्ट क्या लिखते हैं, सेकंड क्या लिखते हैं, जो हम देखते हैं डिजीज तो पेशेंट देखता है, पेशेंट जानता है कि मेरे को इतना ब्लड ग्रुप बढ़ गया या मेरा कुछ भी हो गया, वो पेशेंट देखेगा, पेशेंट को तो जरूर देखेगा, आपसे पूछेगा भी, लेकिन हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं कि पेशेंट का जनरल एनर्जी लेवल बढ़ गया, पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट कह रहा है कि मैं अब ठीक हूँ, मेरी नींद ठीक है, तो उसके जनरल पैरामीटर हैं जिनको हम मानते हैं कि ये ठीक होने की वजह से ठीक होता है। ये डिजीज की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ बताने के लिए है और पेशेंट की बात को समझने के लिए, कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को जॉन्डिस हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को कोरोना हो गया, उसकी तो हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है कोई, वो तो हम ठीक करते ही नहीं, वी ट्रीट द मैन ओनली, जब मैन बोलता है कि मैं ठीक हूँ तो फिर और क्या चाहिए, ये मैं नहीं हूं तो है ना जो कह रहा है कि मैं ठीक फील कर रहा हूं, तो और किससे पूछना है हमने? सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि सुपरस्टिशियस और हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरी अफेक्ट्स आर प्रोफाउंडली, इसमें डिफरेंशियल बता दें सर, चैट बॉक्स में एक सवाल है। हां, सुपरस्टिशियस और हॉरिबल थिंग्स, हॉरिबल थिंग्स क्या होता है, वो उसने देखा होता है कुछ, उसको उस सिचुएशन का आभास होता है उसका, जैसे एक्सीडेंट देख लिया या कुछ और देख लिया, सुपरस्टिशियस में तो उसका कोई पक्का ही नहीं है, जैसे सुनी सुनाई बात है, वो तो वहां पर वो मर गया, वहां पर ये मर गया, वहां पर ऐसा कुछ हो गया, वो रिलेट करता है उस बात को, उसका पक्का कुछ नहीं है उसमें। सर सुपरस्टिशियस में तो अंदर श्रद्धा होता है ना, थोड़ा उसको थोड़ा हाईलाइट करिए ना सर, फोकस करिए ना उसके ऊपर, सुपरस्टिशियस रूब्रिक बहुत कॉशियस, सुपरस्टिशियस बोलो तो अंदर श्रद्धा ना, बिलीफ होता है ना। हाँ सर, बिलीफ होता है उसका, उसको लगता है कि ऐसा भी, जैसे दो हमारे पड़ोस में डेथ हो गई है, कहीं ऐसा मेरी भी डेथ हो सकती है, मेरी भी डेथ ना हो जाए, तो हॉरिबल थिंग्स, तो हॉरिबल थिंग ऐसा है ना, जैसे कोई उसने पेशेंट का ऑपरेशन देख लिया, उसके सामने ऐसा कुछ हुआ, वो उसको हॉरिबल लगा, उसको वो डरावनी सी चीज लगी, उसको वो विजन बन गया उसके लिए, मैं उसको ऐसे यूज करता हूँ।
और फियर सुपरस्टिशियस एक और सुपरस्टिशियस पे थोड़ा ऐसा बताइए प्लीज सर। फियर सुपरस्टिशियस वही हो गया जैसे सुपरस्टिशियस तो जनरल हो गया ना बात, हर किसी की बात के ऊपर विश्वास कर लिया, देख लिया कि उसको भी ऐसा हो गया, उसको भी ऐसा हो गया, उसको भी ऐसा हो गया। लेकिन फियर सुपरस्टिशियस वो हो गया कि वो मर गया कहीं मैं ना मर जाऊं, ओके थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर, बहुत नाइस सेशन था आज का, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका, नाइस सेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे आपसे मजीद भी सीखेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहे हमारे साथ ताकि जूनियर्स लोग जितने हैं वो सीखें। मैं कोई टीचर नहीं हूँ सर। फियर सर, फियर बॉडी वेल पोट्रोफी ये किस प्रॉपर्टी में जी? सेंसेस में है डॉक्टर साहब, सेंसेस में है। हेलो, तो मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही है, आपको लग रहा है कि लगेगी, मैंने तो जो पेशेंट को देखा जो रोगी को लाए वो आपको बता रहा हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, आपको और ज्यादा सीखना है, और ज्यादा अच्छे ढंग से सीखना है तो आपके पास बड़े अच्छे टीचर हैं, हमारे डॉक्टर अहमद सहगल साहब के जो लड़के हैं दोनों बेटे डॉक्टर साहब वो हमारे सुप्रीम टीचर हैं, और डॉक्टर जुगेश साहब हैं, डॉक्टर सुनील जी हैं, हम भी उनसे सीखते हैं, हम भी उनकी क्लासेस लगाते हैं। जो मेरे से बात आपको लगा कि नहीं क्लियर हुई तो काइंडली आप उनके लेक्चर जरूर सुना करें, वो ही एक परफेक्शन में आपको ले जा सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं तो यही करता हूँ जो मैंने अपनी क्लिनिक में किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शानदार सर। हेलो, बहुत अच्छी बात है सर, ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करना होता है ना सर, ये सबसे अच्छी बात होती है। बाकी तहरीरी वो जो रिटर्न पुरानी चीजें या किताबी चीजें उसकी जैसे आप बताते हैं ना, जो आपने किया ये बहुत अच्छा सर बताते हैं, बहुत अच्छा। आपके साथ बहुत बात की, वो सभी पेशेंट हमारे क्लिनिक में ठीक हुए हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, नाइस सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई बातें सीखने को मिली, थैंक्स अ लॉट सर। अच्छी बात, अच्छी बात।